सो हेलो वेलकम टू म्यून एस सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द देश फ्रॉम यूपीएससी दो हजार बाईस में जो क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आए थे आज उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले क्लियर तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर ब्रेक की तरफ चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये देखो जितना बड़ा ये क्वेश्चन लग रहा है ना उतना ये क्वेश्चन डेप्थ में भी था बहुत कुछ चीजें थी बट प्योरली ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन था प्योरली जिसे बोलते हैं बट डिविजिबिलिटी को छोड़ के बड़ी सारी चीजें देखनी पड़ रही थी इसमें चलिए देखते हैं लास्ट ऑप्शन इज 12 8 9 11 एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑप्शन नंबर डी इज 12 क्लियर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा चलिए एंड हरडिटरी कार्ड हैज नंबर ए बी सी डी ई एफ जी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एक का उसके अंदर सात डिजिट का कोई नंबर है क्लियर नॉट ने इन दैट ऑर्डर वेयर इच लेटर रिप्रेजेंट डिस्टिंग ऑर्डर में नहीं है द नंबर डिविजिबल इसका मतलब देखो नौ के डिविजिबिलिटी क्या कहती है ना नो आठ सत्रह सात चौबीस पांच उनतीस चार रहा है तो नौ से डिविजिबल है तो इसका मतलब ठीक है बनेगा नंबर पहले ये भी चेक कर डिजिट फ्रॉम द राइट द रिजल्ट नंबर से क्वेश्चन शुरू होता है मेरा, यहां से देखो मेरे पास क्या है? सात एक दो तीन चार पांच छ सात क्लियर मेरे पास सात डिजिट का कोई नंबर है जो जिसका सम नौ से डिविजिबल है यानी छत्तीस नौ से डिविजिबल है नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि अगर मैं देखो आ, ये मेरा फर्स्ट नंबर हुआ ठीक है ये मेरा सेकंड नंबर हुआ ये मेरा थर्ड नंबर हुआ ये मेरा हुआ फोर्थ नंबर फाइव सिक्स एंड सेवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट इसका मतलब अगर मैं इस नंबर को डिलीट कर दूं, द रिजल्टन नंबर इज डिविजिबल बाय सिक्स देखो छे की डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं समझिए है और तीन से भी डिविजिबल और कोई दो से डिविजिबल कब होगा क्लियर अब यहां पे देखो इसमें कौन सा मेरे पास दो आठ और चार इसका मतलब यहां पे कौन कौन सा नंबर आ सकता है मेरा मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखूंगा यहां आ सकता है मेरा दो चार एंड आठ क्लियर ठीक है अब वो कह रहा है कि अगर 36 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरा छ की डिविजिबिलिटी आए दो का डिविजिबल चाहिए और सम कितना हो सत्ताइस हो सकता है यस तो यहां पे एक नंबर नंबर मेरा फिक्स फिक्स हो गया ये नंबर मैंने फिक्स कर दिया और ये भी फिक्स हो गया ठीक है <coughs> नेक्स्ट वो क्या करें आफ्टर डिलीटिंग द नंबर डिजिबल बायस यहां तक हो गया आफ्टर डिलीटिंग द टू डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल फाइव डिविजिबल फाइव डिविजिबल बाय फाइव देखो की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि नंबर के एंड में या तो जीरो होना चाहिए या फाइव होना चाहिए जीरो तो है नहीं तो डेफिनेटली ये मेरे पास क्या है यहां पर पांच आएगा और ये क्या होगा <coughs> ये मेरे पास एक फिक्स नंबर होने वाला स्टूडेंट क्लियर अच्छा आफ्टर डिलीटिंग थ्री डिजिट मतलब अब मैं इन तीन डिजिट को डिलीट कर दूं ठीक है फ्रॉम द राइट द रिजल्टिंग नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय फोर अब चार की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है मेरे पास कि अगर किसी नंबर को चार से डिविजिबल होना है तो उसके लास्ट के दो नंबर डिविजिबल होने चाहिए मतलब यहां पर डिविजिबिलिटी का मतलब क्या लास्ट का नंबर मुझे इवन चाहिए जब भी तो होगा अब इवन कौन कौन सा मेरे पास यहां पे इवन है दो चार आठ अभी मुझे इसका नहीं पता ठीक है अभी यहां का नहीं पता ये नंबर हो गया अच्छा आफ्टर डिलीटिंग आफ्टर डिलीटिंग द फोर डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टे नंबर इज बाय यानी ये जो तीन नंबर बचे हैं ना ये डिविजिबल बाय थ्री अब देखो मेरे पास क्या बचा तीन नंबर ये हो गए चार पांच yani, मेरे पास क्या बचा है मेरे पास एक बचा है और एक एक बचा है यानी yani, एक मैं यहां भी लगा सकता हूं सात यहां भी लगा सकता हूं सात यहां भी लगा सकता हूं और एक यहां भी लगा सकता हूं क्लियर होगी बात क्योंकि उसने क्या बोला आप सुनो जरा ध्यान से मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा आफ्टर डिलीटिंग फाइव डिजिट मतलब जब ये वाला नंबर भी चला गया विच दरिजिनल नंबर द रिजल्टि नंबर इज डिविजल बाई टू इसका मतलब ये मेरे पास इवन होना चाहिए क्या होना चाहिए दो चार और आठ समझ आए स्टूडेंट्स बात की मैंने वन और सेवन को फिक्स कैसे किया कि या तो सेवन तीसरे पे, या सेवन पे या वन फर्स्ट पे आएगा या थर्ड पे आएगा क्योंकि ये भी मेरे को दो वाले ये क्या चाहिए इवन नंबर अब सुनो ध्यान से सात और एक आठ ठीक है अगर कोई नंबर तीन से डिविजिबल है अगर कोई नंबर तीन से डिविजिबल है तो उसका सम होना चाहिए देखो सात और एक आठ है ना आठ में क्या जोड़ो पहले दो जोड़ो दस आ गए दस नहीं डिविजिबल आठ में क्या जोड़ो चार जोड़ो बारह ये है यस आठ में आठ जोड़ो सोलह नहीं है तो डेफिनेटली यहां पे क्या आ गया फोर मेरे पास यहां पे मैंने फिक्स कर दिया यानी यहां पे फोर फिक्स हो गया तो यहां पे दो आठ और दो आठ आ सकता है क्लियर अब देखो जरा ये मेरा लास्ट के चार नंबर गया था द थ्री डिजिट फ्रॉम द राइट द रिजल्टिंग नंबर मस्ट बी भी डिजिलोर इसका मतलब ये वाले चार नंबर भी चार से डिविजिबल थे

बट यहां पे तो 14 मेरा आंसर में नहीं है तो मैंने अभी एक बात बताई थी क्या हो सकता है मेरे पास देखो दूसरा पॉसिबल क्या हो सकता है मेरे पास बाकी दो मेरे पास फिक्स ही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन मेरे पास फिक्स है नाइन फिक्स है एट फिक्स है फाइव फिक्स है टू फिक्स है यहाँ पे वन सेवन एंड फोर ये भी हो सकते हैं मैंने बताया था ना वन और सेवन सेवन और वन हो सकते हैं तो क्या हो गया पांच दो सात एक आठ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है क्योंकि डिविजिबिलिटी को वन बाय वन आपको समझना पड़ेगा और बहुत शानदार क्वेश्चन था क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन यूपीसी हजार बाईस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं देखिए कंसिडर द क्वेश्चन है एक्स इज एन इंटीजर की क्या एक्स इंटीजर होगा एक्स पहली एक इक्वेशन एक क्या कह रही है x इज नॉट एन इंटीचर x बाय थ्री देखो अगर मैं x की वैल्यू को कोई तीन के मल्टीपल में पुट करूं x की वैल्यू में क्या पुट करूं नो no पुट कर दूं तो नो बाई थ्री कितना होगा थ्री होगा तो इंटीजर हो, तो इंटीजर होता होता है है क्या प्लस माने सारी वैल्यूज तो पहली गलत होगी अच्छा थ्री एक्स इन इज इंटीजर देखो अगर थ्री एक्स को मैं वन पुट करूं एक्स कितना आ गया वन बाय थ्री तो यहां से भी इंटीजर का पता नहीं चल रहा तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी बस ये देखना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है तो आंसर क्या आ गया बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऐसा क्लियर तो इजी सा क्वेश्चन था चलिए नेक्स्ट ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके पास आई भी है पहले भी ठीक है चलिए व्हाट इज द रिमाइंडर वैन 91 वन इंटू ऑफ नाइंटी टू इंटू ऑफ नाइंटी थ्री इंटू नाइनटी फोर इंटू ऑफ नाइंटी फाइव इंटू नाइंटी सिक्स इंटू ऑफ नाइनटी सेवन इंटू नाइंटी एट इंटू डिविजिबल बाय वन टू सिक्स वन क्लियर देखो अब बेसिक जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आई स्टूडेंट्स को किसमें कि मुझे बारह सौ इकसठ के फैक्टर्स नहीं मिले सबसे पहली बात ये कटेगा किसे क्यों काटना है अगर बारह सौ इकसठ को मैं ऐसे लिखूं बारह सौ इकसठ बड़ा नंबर है माइनस करके देखो सिक्सटी मल्टीप्लाई थर्टीन हंड्रेड अगर मैं यहाँ पे तेरह को कॉमन लेता हूँ कितना आएगा देखो हंड्रेड माइनस थ्री थर्टीन इंटू नाइनटी सेवन भी है और तेरह सत्तर इक्यानवे भी है तो आंसर क्या अगर ऑप्शन नंबर डी बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि मैं डिविजिबिलिटी को कैसे यूज करने वाला हूं मतलब मुझे बेसिकली फैक्टराइजेशन करने आनी चाहिए क्लियर सो दैट वॉज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जीरो रिमाइंडर बचेगा पूरा पूरा कट जाएगा देख लो बारह सौ को कैसे लिखूंगा बारह सौ नौ सत्तर और तीस चलिए सुपर इंपॉर्टेंट लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स सपोज एक्स इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय ए बी सी विदाउट रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन के है देखो दल दल फोर डिजिट लिस्ट सम ऑफ एक्सेस देखो एक्स मेरे पास क्या है एक्स को तीन डिजिट का नंबर है तो मैक्सिमम एक्स को मैं कैसे ले सकता हूँ एबीसी लिख सकता हूं यस ए सी भी लिख सकता हूं यस बी एसी लिख सकते हैं बी सी लिख सकते हैं A भी लिख सकते हैं सी बी तो ये छह मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज हैं जो एबीसी के टर्म्स में लिख सकता हूं ठीक है आप ध्यान से सुनो बात वो कह रहे लीस्ट वैसे तो मैं उसने क्या बोला एबीसी वैल्यूज है एक से लेकर नौ तो कोई भी हो सकती है एक भी हो सकते हैं दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं पांच भी हो सकते हैं छह सात आठ इवन नौ भी हो सकते हैं बट लीज के केस में मैं सबसे कम वैल्यूज लूंगे जो नॉन रिपीटिंग है वन टू थ्री यानी मैं क्या बोल सकता हूं ये क्या हुआ वन टू थ्री वन थ्री टू टू वन थ्री टू थ्री वन थ्री वन टू थ्री टू वन देख लीजिएगा ऊपर नीचे का अब इसको ऐड वो कह रहा है भाई इन सब का जो सम होगा ना वो कम से कम तेरह सौ बत्तीस लिस्ट इन सबको ऐड कर रहा तेरह सौ बत्तीस दो सात आठ एक नौ एक दस दो तो बारह एंड में दो तो आ गया एक दो तीन तीन छत आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तीन एक एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह थ्री टू तो पहली इक्वेशन क्या है बिल्कुल ट्रू है अब सेकंड वाली देखो क्या कह रही है थ्री डिजिट ग्रेटर देन ग्रेटर वैल्यू इज एक्स इज ट्रिपलेट ये गलत हो गया लिस्ट वन थ्री थ्री टू है तो मेरे पास ट्रिपलेट तो आई नहीं सकता सेम डिजिट रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर मतलब अगर मैंने एक्स वाई लिखा अगर पी मेरा एक्स वाई है तो क्यों मेरा क्या होगा वाई एक्स समझो इस बात को अच्छा फिर वो क्या कह रहे हैं पी गुणा क्यों क्या है मेरे पास टू फोर थ्री जीरो देखो एंड में आपको जीरो दिख रहा है? एंड में जीरो दिख रहा है? इसका मतलब इनमें से किसी एक नंबर देखो पहली बात याद रखो कि इन दोनों में से किसी का यूनिट डिजिट जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर सपोज करो x जीरो हुआ तो जीरो 0x तो वो तो सिंगल डिजिट का नंबर बना क्लियर इसका मतलब अगर यहां पे जीरो आया है तो p और q में से किसी एक नंबर के एंड में मेरे पास 5 है किसी के एंड में 5 है वो कैसे पता चलेगा देखो 2430 बहुत आसान क्वेश्चन है इसको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा मैं ये कितना है 24 30 10 सॉरी 243 10 क्लियर टू फोर्टी थ्री की थ्री पावर थ्री की पावर फाइव तीन तीन नौ तीन इक्यासी इंटू थ्री की पावर फोर चलो थ्री की पावर फाइव ही आएगा मेरे हिसाब से तो थ्री की पावर फाइव इंटू टू इंटू फोर नहीं फाइव आएगा क्लियर चलो अब देखो जरा अब इसको जरा मैं खोल के लिखू तीन तीन सत्ताइस तीन इक्यासी गुना ठीक है अच्छा बोलने में मिस्टेक कर गया आएगा क्लियर अब ध्यान से देखो किसी एक नंबर के एंड में क्या है मेरे पास पांच तो मल्टीप्लाई करें देखो अगर मैं इसको लू तीन तीन नौ नौ पंचायत पैंतालीस अगर मैं इसको बोलता हूं फोर्टी फाइव तो ये कितना आ गया फोर्टी फोर इसका मतलब जो बचा हुआ नंबर है हाँ ये तो कंफर्म हो गया कि इस जो इनके नंबर है उसमें एक ही दो है इसका मतलब दूसरे का यूनिट डिजिट मेरे पास कोई इवन नंबर आना चाहिए है ना तो अब क्या हुआ देखो तीन तीन नौ सत्ताईस कितना होगा यस तो 45 तो नंबर आर एंड थोड़ा सा अगर दिमाग को ऊपर भरना बनाओ ये करो वो करो वो की फायदेमंद है थोड़ा सा सोच के चलिए कि एक पांच है तो दूसरे में कोई दो का मल्टीपल ही होगा जब भी पांच होकर बीस पांच दो नहीं दस ठीक है पांच इकतीस जब भी बनेगा क्लियर तो ट्राई टू मेक सम क्लोज वैल्यूज ठीक है तो मैंने जब करी तो फोर्टी फाइव फिफ्टी फोर इनका और इनका वो क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी नाइन इज द राइट आंसर क्लियर क्योंकि अगर के केस में जो बहुत लंबा सीनरियो बनता है तो ये सबसे शॉर्ट और इसका हेल्थी मेथड करने का क्लियर कि ट्राई टू मेक सम सेंस कि क्या हो सकता है कि क्या अगर फोर्टी फाइव आ गया क्योंकि देखो अगर मैं 40, अब आप कहोगे सर फोर्टी फाइव ही क्यों लिए फोर्टी फाइव से बड़ा जाओगे ना तो वो रिपीटेड नहीं आएगा फोर्टी फाइव है फोर फाइव है फाइव फोर हो सकता है बिल्कुल हो सकता है वो यहाँ पे मुझे दिख गया क्लियर चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स पी एंड सच दैट पी इज अ प्राइम नंबर है कॉम्पोजिट नंबर पी प्राइम नंबर है कौन सा हो गया दो तीन पांच सात ग्यारह ऐसा करके तेरह और कॉम्पोजिट नंबर क्या हो सकते हैं जिनके में फैक्टर बना सकता हूं चार हो गया आपका छह हो गया पंद्रह हो गया ऐसा कुछ करके क्लियर ठीक है अब वो क्या कह रहे हैं सबसे पहले पिन टू क्यों कैन बी ऑर्ड देखो अगर मैं पी गुना क्यों की बात करूं मतलब पी मेरा प्राइम नंबर है और क्यों मेरा कॉम्पोजिट नंबर है कि वो कह रहा है कोई भी प्राइम नंबर लूं और कोई भी मैं कॉम्पोजिट नंबर लूं स्टूडेंट्स मैं कोई भी प्राइम नंबर ले लूं और कोई भी मैं कॉम्पोजिट नंबर ले लू इनको मल्टीप्लाई करने में मेरे पास क्या आना चाहिए ऑड नंबर आना चाहिए जो दो से ना कटे तो कैसा हो सकता है कब पॉसिबल है जब दोनों के दोनों मेरे पास क्या होंगे जब दोनों दोनों के दुनों मेरे पास क्या होंगे ऑड होंगे पॉसिबल है क्योंकि ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करने में मेरे पास क्या ऑड आएगा अगर एक भी इवन हुआ तो इवन की कैटेगरी में आ जाएगा क्लियर तो बताइए कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से स्टेटमेंट वो हो सकती हैं ट्राई करो बताओ बताइए वो कौन कौन से नंबर्स आपके पास हो सकते हैं पी और क्यू के केस में क्या पांच हो सकता है पांच और अगर मैं नौ ले लूं नौ भी मेरे पास आ गया मैं तीन और पांच ले लूं बट तीन और पांच तो मेरे पास कोई प्राइम हो गया एक प्राइम है वो क्लियर। अगर मैं यहां पे तीन गुना पंद्रह ले लूं पांच गुना पंद्रह भी ले सकते हो आप पैंतालीस आ गए अगर पांच गुना पंद्रह ले लो प्राइम कॉम्पोजिट है तो पहला क्या हो गया सही हो गया नेक्स्ट क्या बोल रहा है कैन बी प्राइम नंबर यस देखो अपॉन तीन को डिवाइड करो ये क्या हो गया मेरे पास कॉम्पोजिट नंबर सॉरी क्यों अपॉन पी क्यू क्या हुआ मेरा क्यों है प्राइम तो पंद्रह बट तीन कितना पांच आ गया तो पांच मेरे पास प्राइम है कोई भी कंडीशन जो आपका दिल करे कोई भी कंडीशन अप्लाई करके देखो ठीक है नेक्स्ट क्या पी प्लस क्यू कैन बी ए प्राइम नंबर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है हो सकता है मेरे को मेरे तो दिमाग में आ रहा है पी के प्राइम पांच और छह ग्यारह आ गया यस ग्यारह प्राइम नंबर तो क्या हो गया डी वन टू थ्री ऑल आर सेटिस्फाइड वैल्यूज क्लियर तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था चलिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिफ्टीन इंटू फोर्टीन इंटू थर्टीन मल्टीप्लाई थ्री टू वन थ्री एम इंटू एन वेर एम एन एंड पॉजिटिव इंटीजर्स मैक्सिमम सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे तीन किस किस में आ रहा है पंद्रह में आ रहा है चौदह में आएगा नहीं तेरह में नहीं बारह में आएगा अच्छा बारह के बाद नौ में आएगा फिर छह में आएगा फिर तीन में आएगा और किसी में तो नहीं आ रहा तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अच्छा पंद्रह में क्या आएगा तीन की पावर वन इंटू पांच की पावर वन दो चार गुना तीन की पावर एक ये कितना आ गया तीन की पावर दो की पावर है तीन की पावर एक और तीन की पावर एक या गया डन इसका मतलब जब मैं मेरे को एन से तो कोई लेना देना नहीं कुछ भी हो ड मैटर एन कोई नंबर है जो बाकियों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है तो यहां पे बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लिखूंगा तीन की पावर कितनी आ गई एक दो तीन चार पांच एंड छ तीन की पावर एम तो एम की वैल्यू क्या आ गई ऑप्शन नंबर डी बी इज द राइट आंसर क्लियर ज वेरी इजी क्वेश्चन का चलिए द सम ऑफ थ्री कॉन्जिगे इंटीजियर इज इक्वल टू देर प्रोडक्ट हाउ मैनी सच पॉसिबिलिटीज आर देर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप देखो सबसे पहले देखो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं मैंने नंबर माने पहला एक्स हो गया इससे छोटा हो गया हो गया एक्स माइनस वन इससे बड़ा नंबर क्या हो गया एक्स प्लस वन द क्वेश्चन इज से सम ऑफ थ्री कॉन्जिगेटिव इंटीजियर इज इक्वल टू देर प्रोडक्ट यानी इनका है Yes. यानी x माइनस वन प्लस एक्स प्लस ऑफ एक्स प्लस वन और ये इनके प्रोडक्ट के इक्वल है यानी ये कितना आ गया एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंट एक्स प्लस वन देखो कैंसिल आउट ये कितना बचा थ्री एक्स इजिकल टू ये कितना बचा मेरे पास एक्स इंटू एक्स के माइनस ऑफ एक्सर वन तो ये कितना का एक्स का क्यूब माइनस फो एक्स और एक्स का क्यूब माइनस एक्स इजिकल टू कितना थ्री एक्स और यू कैन से दैट एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स इजिकल टू ज़ीरो आप इसे कैसे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स इजिकल टू ज़ीरो और एक्स इन टू ऑफ एक्सर माइनस फोर इजिकल टू जीरो और फ्रंट एक्स इजिकल टू जीरो आ गया और एक्स ऐसे क्या लिखोगे प्लस माइनस टू एक्स के माइनस फोर इज टू जीरो लेके जाओगे बना दो एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू जब भी बन जाएंगे अब देखो मेरे पास तीन वैल्यूज थी ठीक <coughs> है वी हैव थ्री वैल्यूज जब मैंने x को जीरो पुट किया तो ये कितना आ गया माइनस वन और ये कितना आ गया 2. तो पहला ये आ गया मेरे को पूछ रहे हैं ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री जब आपने एक्स को टू पुट किया जब एक्स को आपने टू तो पुट किया तो टू वन एंड थ्री जब आपने एक्स को माइनस टू पुट किया माइनस टू माइनस टू प्लस वन माइनस वन माइनस टू माइनस वन इज माइनस थ्री तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन तो क्या आंसर आ गया ओनली थ्री क्लियर एग्जैक्टली थ्री भी बोल सकता था वो बट थ्री वैल्यूज क्लियर सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से नोट कीजिए इसको जरा क्लियर तो so बहुत अच्छे क्वेश्चन और सोल्यूशन तो और भी इजी तरीके में जितना इजी कर सकता हूं उतने इजी मैंने क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ Uh, what is the number of numbers of form zero dot x y where x and y are distinct non-zero numbers? देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मुझे क्या दिया Zero dot x y है। मतलब <coughs> नॉन जीरो का मतलब क्या होगा कि x और y की जगह मैं एक से लेकर नौ तक कोई भी नंबर पुट कर सकता हूं क्लियर है। सिंपल है। देखो, मेरे पास zero dot x y है। मतलब अगर मैं पहले x को प्रेफरेंस दूँ zero में से मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन मतलब यहाँ पे नाइन डिजिट आ सकते हैं ठीक है वाई में कितने आ सकते हैं अगर एक यहाँ पे आ गया तो रिपीट नहीं होने चाहिए आठ सिंपल मल्टीप्लाई कर दो नाइन इंटू सेवन इज ऑप्शन नंबर है सेवनटी टू इज द राइट आंसर क्लियर तो ये बहुत अच्छे सोल्यूशन हैं प्लीज़ इनको नोट कीजिए और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा थैंक यू